जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है, परसों से मतलब एक दो दिन हो गए उस नोटिस को एक वायरल हो रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि CRPF की जो ट्रेनिंग है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर भी भेजा, फिर मैंने नहीं सोचा था इस पर वीडियो बनाने का, क्योंकि इस पर कोई खास मकसद था नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग है ना गुमराह कर रहे हैं। YouTube पे भी मैंने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस पर वीडियो बना रहे हैं बार बार, जिनके काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं और बहुत अच्छे अच्छे उनकी मतलब वीडियो चलती भी है। जानकारी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोवर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो इस वीडियो को उनको ऐसा पहली बात तो ये समझ में नहीं आती मेरे को कि ऐसे नोटिस कहाँ से मिल जाते हैं आप लोगों को। ये पूरा डिपार्टमेंटली नोटिस है, जो किसी डिपार्टमेंट का ही हो सकता है। आपको पता नहीं बाहर कैसे चला जाता है नोटिस, ये तो सबसे बड़ी बात हो, पता नहीं कैसे बाहर चला जाता है ये नोटिस, इस प्रकार का नोटिस। चलो अच्छा, अगर कोई नोटिस है आपसे संबंधित, कोई नोटिस है या आपके लिए कोई नोटिस है, अगर मान लो SSGD से अगर रिगार्डिंग कोई नोटिस है, या उसके फिजिकल से रिगार्डिंग है, उसके रिजेक्शन से रिगार्डिंग है, उसके रिजल्ट से रिगार्डिंग है, उससे संबंधित अगर कोई लेटर है वो बाहर आता है, तो उसमें एक रीज़न हम मान लेते हैं कि भाई लड़के को क्यूरियोसिटी रहती है कब रिजल्ट आएगा या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इस प्रकार का नोटिस वायरल होना, पहली बात तो ये जिसने भी किया है वो पता नहीं किस हिसाब से कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, या पता नहीं क्या रीज़न है इसका। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आती कि क्यों इस प्रकार के नोटिस वायरल हो रहे हैं। ये केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर के नोटिस है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे इस नोटिस में लिखा क्या है, इसका क्या मतलब मकसद है, क्या इसमें लिखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या सच में CRPF की ट्रेनिंग फरवरी महीने में होने वाली है। अगर CRPF की ट्रेनिंग फरवरी महीने में होने वाली है, तो फिर बाकी सबकी भी ये मान लीजिए फरवरी महीने में होगी, तो ट्रेनिंग में ज़्यादा फर्क थोड़ा ना रहेगा। 5-10 दिन का तो मान लो फर्क ही रहेगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ट्रेनिंग सेंटर तो सभी खाली है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वो सभी खाली है, तो बाकी सबके भी फिर फरवरी महीने में ट्रेनिंग हो जाएगी सभी की, है ना। इस प्रकार से ये नोटिस में बता रहे हैं, कुछ लोग दबा के चला रहे हैं वीडियो भी। तो दोस्तों अब हम इस पर बात करेंगे, साथ ही बता दूं जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी है, उस पर आप लोगों को अच्छा प्यार मिल रहा है, चाहता हूँ और ज़्यादा अच्छा प्यार मिले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। एक बार उसका विजिट जरूर करके आएँ, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे को सपोर्ट करते हैं, जिनको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, वो एक बार ज़रूर उस चैनल को भी मेरे को सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें अपने छोटे भाइयों में, जिसमें मैं तो रीजनिंग की मैं क्लास शुरू कर दिया हूँ। SSGD 2021 या NTPC के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कराए, रेलवे की तैयारी करें, उसके लिए मैं उधर से मैं तो रीजनिंग के साथ साथ जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है उनकी अपडेट उधर देता रहूँगा, उनके फिजिकल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट उधर देता रहूँगा। दोस्तों तो ये जो नोटिस है, सबसे बड़ी बात पहले ये बताऊँ, ये ट्रेनिंग डायरेक्टरेट का नोटिस है। जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट होता है अलग से, जो ट्रेनिंग सभी ट्रेनिंग को देखता है कि जो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग चलती रहती है, सालाना रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई, या कोई भी PTI कोर्स है, ड्रिल कोर्स है, वेपन हैंडलिंग कोर्स है, शार्प शूटिंग कोर्स है, इन पर इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स आप आओगे, मतलब बहुत प्रकार के 56 से भी ज़्यादा प्रकार के 56 टाइप्स ऑफ कोर्स है, इनसे ज़्यादा ही है। हर साल कोई ना कोई नया कोर्स, जैसे योगा एक्सीलेंट, PTI के 3 कोर्स होते हैं, हर एक प्रकार के 2-2 3-3 4-4 कोर्स होते हैं, कमांडो के 3-3 लेवल है, तो बहुत प्रकार के कोर्स है, तो उनका एक ट्रेनिंग डायरेक्टरेट बनाया होता है, उसका ये नोटिस है। उस नोटिस में क्या है कि आपने एक दो चीज़ें देख ली, एक तो उसमें रिक्रूटमेंट सब लिखा हुआ है जिसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, एक उसमें वो फरवरी वाली जो डेट है उसको हाईलाइट कर रखा है, दूसरा नीचे RTC नीमच, RTC आवड़ी, RTC पेरिंगम, ATC इनके जो नाम लिखे हुए हैं। और आपको, आप ये सुनते हो हमारे वीडियो में कि भाई आपकी ट्रेनिंग इस RTC में हो सकती है, या RTC सेंटर आपको मिलेगा, या ATC सेंटर मिलेगा, अब ये इनमें आपने देख लिए, तो जैसे आपने देखा आपने सोचा कि अब पक्का हमारी ट्रेनिंग फरवरी महीने में, फरवरी अंडरलाइन कर रखी है, तो इसमें आप क्या देखे हो कि ये पल इतनी सी चीज़ देखे हो कि फरवरी इसमें अंडरलाइन कर रखा है, और ATC RTC नीमच, और हाँ एक चीज़ और, उसमें 15,500 कुछ पोस्टें भी लिखी हुई है, उसमें से ऐसा लिखा हुआ कि 7,000 मतलब 100 पोस्ट का आपका इन RTCO में होना है, तो आपने सोच लिया फिर फरवरी में होना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों आज एक तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो जरूर अभी ये मत सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, एक इस कैमरे का एक मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा वो लिंक। तो उससे क्या होता है कि इंग्लिश की हिंदी स्कैन करने, आप कोई भी फ़ोटो लेना, जैसे आपकी फ़ोटो आती है उस पर जाना, कैमरा वो ओपन करना, और उस फोटो को अपने आप वहाँ ऑप्शन आएगा गैलरी में जाके, और फ़ोटो स्कैन करना है, उसको स्कैन करना, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा इन हिंदी। तो उसमें हिंदी में जब ट्रांसलेट हो, उसमें बाई पैराग्राफ लिखना, इस प्रकार का कोई भी नोटिस होता है उस पर बाई पैराग्राफ करना, और फिर खुद ही पढ़ लेना। तो क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, तो उसका ज़रूर यूज करना।
तो फिर आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये कितना झूठा है और कितना सच्चा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो प्रशिक्षक, मतलब जो आपके ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, उनका जो रिफ्रेशर, जो उनका रिफ्रेशन होना है वापस से, मतलब कि काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं कराई है, बहुत दिन हो गए उनको ट्रेनिंग कराए हुए, इस एक साल में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं कराई है, तो उनका एक बार वापस से, हर बटालियन में या हर यूनिट में ऐसा नियम होता है कि साल में एक बार मतलब रिफ्रेशन ट्रेनिंग ज़रूर होती है, तो उनकी भी वो 4 वीक की ट्रेनिंग होनी है, तो वो डेट उनकी है आपकी नहीं। मैं आपको बता दिया, आपकी ट्रेनिंग अप्रैल से पहले शुरू नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट 20 जनवरी को अगर आपका रिजल्ट आता है तो 20 जनवरी के बाद में 20 या 25 दिन और लगा लीजिए, यानी फरवरी 15 के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा या 15 फरवरी के आसपास। तो उसमें मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ कि 20-21-25 दिन का टाइम मिलता ही मिलता है 101%, क्योंकि आपको अकाउंट भी खुलवाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, उसके लिए टाइम देती है SHG। तो मैंने कहा कि 25 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो जब 25 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद में एक महीना आपको ग्रुप सेंटरों में लग जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, आपके जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे बहुत सारे, उनमें एक महीने तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक ग्रुप सेंटर में कम से कम 400-500-600 स्टूडेंट जाते हैं, ये मतलब जवान जाते हैं, तो उनका जब वो काम होता है तो उसमें एक महीने का टाइम लग जाता है, तो हो जाएगा अप्रैल, तो फिर आपकी ट्रेनिंग होनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप 20 जनवरी को डेट दी, 20 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, कर लो ज्वाइनिंग, फरवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट, ऐसे नहीं होती। तो जो ट्रेनिंग होनी है उसमें पहले लिखा हुआ क्या है, स्पष्ट मैं बता दूँ, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जितने भी जो इंस्ट्रक्टरों के जो कोर्स कर रखे हैं, जिन लिस्टों में उनके जो हर एक यूनिट में जहाँ पर भी वो बंदा है उसको लिस्ट में नाम चला जाता है कि आपको रिफ्रेशन ट्रेनिंग के लिए इस जगह पर आना है इतनी तारीख से, मतलब 18 फरवरी तक, 18-3 तक आपका कोर्स चलेगा, फरवरी से 18 फरवरी की पता नहीं कौन सी डेट है इसमें लिखी हुई है, उस डेट से 18 मार्च तक आपका ये कोर्स चलना है, तो आपको ये कोर्स अटेंड करना है। और ये कोर्स इसलिए किया जाता है कि जो ATC सेंटर है जहाँ पर 7300 जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करने आने वाले, वहाँ पर इस स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए आप जितने भी आपके पास में अवेलेबल इनमें से जो स्टाफ है उसको आप रिफ्रेशन ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए, तो वो आपके लिए उसमें कोई भी नोटिस नहीं है, उसमें कहीं पर भी कोई आपकी डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो आपके इंस्ट्रक्टर लोग हैं, जो DI जो ड्रिल करवाता है, जो वेपन हैंडलिंग आपको सिखाता है, जो PTI है, या और भी बहुत प्रकार की जो आपके वहाँ पे योगा टीचर है, जो अलग अलग इंस्ट्रक्टर हैं, उन सभी का वो रिफ्रेशन ट्रेनिंग हो रहा है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर कि रिफ्रेशन ट्रेनिंग हो रहा तो हमारा ट्रेनिंग भी हो रहा, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ अप्रैल के आसपास आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन फरवरी वाली जो डेट फैला रहे ना, ये बिल्कुल घटिया चैनल है। और ऐसे चैनलों को मैं बोल रहा हूँ मार दो ब्लॉक, गाली देने का दिल कर रहा है किस प्रकार से, नोटिस में जब लिखा हुआ कम से कम उसको पढ़ के वीडियो बना दो, जो चीज़ नोटिस में लिखी हुई है उसको पढ़ के तो वीडियो बना दो, उसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ उसमें, तो कम से कम पढ़ के वीडियो बना लो, क्यों अपने फालतू की बात कर रहे हो, अपने चैनल की बेइज्जती करवा रहे हो, झूठ बोल के अपने खुद के चैनल की बेइज्जती कर रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐसा चैनल है, जो भी अगर मेरा वीडियो अगर कोई यूट्यूबर भी देख रहा है, तो उसको एक बात मैं खास खास बता दूँ, साफ साफ याद रखना, ज़िंदगी में आप किसी को अगर अच्छी जानकारी दोगे, किसी के लिए अच्छी चीज़ करोगे, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपके जुड़े रहेंगे, आपके वीडियो लगातार देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, गलत जानकारी दोगे, एक बार तो वीडियो देख लेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आपकी ये चाह नहीं होगी कि मैं किसी को जो चीज़ बता रहा हूँ कि उन्हें अच्छी चीज़ बताऊँ जिससे उसका फ़ायदा हो, आप नुकसान करने वाली ना फ़ायदा करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, बस कोई भी नोटिस आया पकड़ लिया टेक दो चैनल पे, कोई भी नोटिस आया पकड़ लिया टेक दो चैनल पे, इसीलिए उनके सब्सक्राइबर इतने सारे हो रखे हैं और व्यू आते इतने से, क्यों व्यू इतने से आते हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं तो फिर व्यू भी इतने आने चाहिए ना, क्यों आते हैं, सिर्फ इतने से आते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो उनके चैनल पे विजिट कर लिया एक बार, उनको पता है ये फेंकता है, ये तो बकवास वीडियो बनाता है, ये तो कुछ भी बनाता है, वो देखने नहीं आएगा, और देखेगा तो 5 मिनट के वीडियो को 1 मिनट देखेगा। तो कोई भी अगर YouTube चलाता है, या जितने अगर किसी को शौक है YouTube पर वीडियो बनाने की, या जो चलाता है जिनके चैनल है YouTube पे, ध्यान रखना हमेशा आप ऐसा काम करें जिससे दूसरे को फ़ायदा हो, तो आपका चैनल अपने आप ग्रो करेगा, चाहे आपका कोई सा भी चैनल हो, अगर उसमें आप दूसरे की भलाई, हाँ जरूरी नहीं कि आप फायदे वाले बनाओ, अगर आप दूसरे को एंटरटेनमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे दूसरे को गलत जानकारी नहीं हो, अगर आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो एक बार जरूर देखेगा आपका वीडियो, दोबारा नहीं, एक बार व्यू आ जाएंगे दोबारा, फिर आपके चैनल को ब्लॉक ही मारेंगे, वो नोटिफिकेशन अपने आप ऑफ जाएगी आपके चैनल की। तो झूठ बोलना कम करें, और ये इसमें ये सीधी सी बात है, ठीक है। जय हिंद।